जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों हमारे प्रैक्टिस सेट चल रहे थे। दोस्तों हमारे टोटल प्रैक्टिस सेट कितने हो चुके हैं? 3 प्रैक्टिस सेट दोस्तों हमारे हो चुके हैं। यानी दोस्तों आज प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा होगा? चौथा। कौन सा होगा दोस्तों? चौथा। प्रैक्टिस सेट दोस्तों ये कौन सा है? चौथा, फोन नंबर दोस्तों। इस प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत दोस्तों आज हम जितने आप भाई बंधुओं के डाउट हैं, ठीक है, उन डाउटों को क्लियर करेंगे। क्योंकि कई भाई बंधुओं ने क्या क्या कमेंट करके पूछा, सर इस क्वेश्चन को बता दीजिए, इस क्वेश्चन में ये डाउट है, इस क्वेश्चन में ये डाउट है। तो जितने टाइप के जिन लोगों ने कमेंट किया था उनके सभी क्वेश्चनों को हमने क्या किया, एक साथ संग्रह करके क्या सेलेक्ट करके उनको आज हर बाई वन क्वेश्चन बताएंगे। ठीक दोस्तों, कहने का मतलब है दोस्तों आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज का जो सेशन आपका है पूरा डाउट सेशन रहने वाला है। यानी कि जो जिन जिन भाइयों के क्वेश्चन है या जो क्वेश्चन हमने कराए हैं उसमें किसी को यदि कोई डाउट है तो उन सभी क्वेश्चनों के बारे में दोस्तों चर्चा करेंगे। दोस्तों आपको पता है कि डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स का जितना भी कंप्लीट सिलेबस था हमने आपको प्रोवाइड करा दिया। टोटल हमने 42 लेक्चर कराए हैं, ठीक है, 42 लेक्चर कराए हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो जाके भैया धीरे धीरे 42 लेक्चर को देख डालिए। डेली से क्या समस्या मैथ में जितना भी सिलेबस है उनको पहले टोटल देखिए, ठीक, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे देंगे। हर चैप्टर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और दोस्तों यदि आप प्लेलिस्ट से देखना चाहते हैं वहां से भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम दोस्तों है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ 2022 के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, उस पर जाके टोटल सिलेबस डेली सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स का दोस्तों देख सकते हैं। ठीक दोस्तों, और प्रैक्टिस से जो चल रहा है इस समय इसके लिए भी हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, उसका नाम हमने दोस्तों रखा डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स प्रैक्टिस सेट 2022। इस नाम से हमने प्लेलिस्ट बनाई, उसके अंदर आप जाके आसानी से दोस्तों सभी वीडियोस देख सकते हैं दोस्तों। ठीक, जो अभी तक प्रैक्टिस सेट कराई 3 कराई उनको आप बहुत ही आसानी से वहां से जाकर देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधुओं तक सबसे पहले पहुंच चुके। कहने का दोस्तों मतलब ये है, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन को प्रेस करते हैं, जैसे यहां से हम वीडियो प्रोवाइड कराते हैं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाता है। ठीक है, दूसरा तरीका नोटिफिकेशन प्राप्त करने का है कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, उसका लिंक हम आपको टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, वहां से क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल को आसानी से दोस्तों ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोनों तरीके से आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों आपको पता है कि ये प्रैक्टिस सेट प्रतिदिन कितने बजे? शाम को 5 बजे आपको प्रोवाइड हो जाता है। इसलिए सभी भाई बंधु शाम को 5 बजे तैयार रहिएगा। ठीक है, और पर डे देखिए, प्रैक्टिस का मतलब क्या है, आप पर डे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो बहुत ही आसान रहेगा और आप आसानी से क्या सीख पाएंगे। और हर प्रश्न को देखिए, हम बिल्कुल न्यू तरीके से ला रहे हैं प्रश्न, नए प्रश्न ला रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हों, खासकर जो आपके एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं उनकी हम प्रैक्टिस करा रहे हैं। इसलिए बहुत ही ईमानदारी, लगन और मेहनत के साथ प्रैक्टिस आप करते रहिए दोस्तों। ठीक है, आज के सेशन में बात करते हैं, डाउट सेशन है, कौन कौन से प्रश्न तो आप लोगों ने पूछे उसकी बात करते हैं। देखिए पहले प्रश्न की दोस्तों बात करते हैं, देखिए पहला प्रश्न किसका है उसकी बात करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न दोस्तों जो है सिमी जी ने पूछा है, सिमी जी को डाउट है इसमें जो हमने प्रश्न कराने जा रहे हैं। पहला आज का प्रश्न उसमें डाउट है कि सर ये कैसे होता, समकोण त्रिभुज कैसे है, उससे मेरे दोस्तों डाउट है। देखिए, किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात दोस्तों दे रखा है 3:4:5 है, 3:4:5 है। आगे दोस्तों कहता है यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 मीटर स्क्वायर, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल दो सौ सोलह मीटर स्क्वायर
हो तो इसका परिमाप बताइए, हो तो, हो तो इसका परिमाप बताइए, किसका, इस त्रिभुज का, इसका परिमाप बताइए। ध्यान से देखिए दोस्तों, बढ़िया प्रश्न है दोस्तों और इंपॉर्टेंट भी है। कह रहा है कि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात कितना है, 3:4:5 है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 मीटर स्क्वायर हो तो इनका परिमाप बताइए। ये एक डाउट है सिमी जी का, हमने कहा था ये जो क्वेश्चन है, जो ये अनुपात दे रखा है, इस अनुपात से हमारा स्पष्ट हो रहा है कि यह समकोण त्रिभुज है। तो समझ में नहीं आया था कि समकोण त्रिभुज है कैसे, यही तो क्वेश्चन था आपका सिमी जी, यही क्वेश्चन था ना। तो ध्यान समझिए कैसे करते हैं, समकोण त्रिभुज बनेगा कैसे, ध्यान समझिए। किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात, हमने कहा था अनुपात जो होता है फिक्स नहीं होता, उसके साथ एक्स चिपकाना पड़ता है, उसका मासा निकालकर एक्स चिपकाना पड़ता है। कहने का मतलब है समकोण त्रिभुज कैसे है, पहले देखिए ध्यान से, हम समकोण त्रिभुज बना रहे हैं और फिर सिद्ध करके दिखा रहे हैं कि समकोण त्रिभुज ये है कैसे। ये मान लेते हैं हमारा ये ए बिंदु है, ये बी है एंड सी है, ध्यान समझिए। अब देखिए, अच्छा समकोण त्रिभुज में आपको पता है ये कोण बी यहां इस पर 90 डिग्री है, और समकोण त्रिभुज में कर्ण जो सबसे बड़ी भुजा होती, कर्ण क्या होती, कर्ण जो होती हाइपोटेनस जो होती सबसे बड़ी भुजा होती, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती। तो सब 3, 4, 5 है तो सबसे बड़ी भुजा इसमें कौन सी हो जाएगी, 5x हो जाएगा। अब तो त्रिभुज का क्षेत्रफल किसमें, मीटर स्क्वायर में दे रखा है, इसलिए 5x मीटर हो जाएगा। कर्ण कितना है, 5x मीटर हो जाएगा। अब उसके बाद 3, 4 में से कोई किसी को भी मान लीजिए, चाहे 3 को आधार मान लीजिए, चाहे 3 को क्या लंब मान लीजिए, या 4 को आधार मान लीजिए, या 4 को क्या लंब, इसमें से कोई किसी को मान सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम मान लेते हैं जो 3 हमारा 3x का आधार है, जो समकोण त्रिभुज है 3x मीटर है, एंड इसकी ऊंचाई कितनी है, 4x मीटर है। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। अब देखिए समकोण त्रिभुज कैसे है, कैसे हम पहचानेंगे। तो दोस्तों आप लोगों ने पाइथागोरस का नाम सुना होगा, पाइथागोरस प्रमेय के बारे में जानकारी प्राप्त होगी आपको, सब लोगों को पता होगा पाइथागोरस प्रमेय से। आप सभी को पता है कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है दोस्तों, हम बता रहे हैं कि समकोण त्रिभुज है कैसे। पाइथागोरस प्रमेय दोस्तों क्या क्या होती है, आप सबको पता है ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही तो होती है पाइथागोरस प्रमेय दोस्तों। तो आपको पता है कर्ण कितना है, यहां पर कर्ण कितना है, तो कर्ण दोस्तों यहां कितना, 5x है दोस्तों। हम यहां भी x है, यहां भी x है, यहां भी x है, हम थोड़ी देर के लिए x को हटा रहे हैं, सिर्फ डिजिट ले रहे हैं, आप रखना चाहिए, x रख के भी सॉल्व कर सकते हैं, आएगा वही चीज, ठीक है। हम सिर्फ डिजिट ले रहे हैं, थोड़ा आसानी होगा क्योंकि हमको आपको समझाना है कैसे। कर्ण कितना मान लेते हैं, 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो जाए, हम समझाने के लिए सिर्फ 5 ले रहे हैं, वैसे तो 5x हमने माना है। बराबर लंब कितना है, 3 का स्क्वायर, और प्लस आधार कितना दोस्तों, 4 का स्क्वायर, 4x का भी लिखेंगे तब भी आ जाएगा दोस्तों। तो 5 का स्क्वायर 25 होगा, इधर देखिए 3 का स्क्वायर कितना, 9 हो गया, और इधर कितना होगा, प्लस 16 होगा। देखिए 25 बराबर 25 आ गया, कहने का मतलब 25 बराबर 25 कहने का मतलब है ये समकोण त्रिभुज था तो हम दिखा सकते हैं। आपको चेक कैसे करना है, आपको सबसे बड़ी भुजा लेनी, ये तो मैं पाइथागोरस प्रमेय से आपको बताया कि ऐसे करके हम चेक कर सकते हैं कि समकोण त्रिभुज है कि नहीं, है कि नहीं है। लेकिन और शॉर्ट तरीका देखें क्या करेंगे, सबसे पहले आपको जो रेशियो दे रखा है उनमें इसे सबसे बड़ा नंबर चूज कर लेंगे, सबसे बड़ा नंबर कौन सा था, 5 था, उसको अलग लिख लेंगे, 5 को क्या करेंगे अलग लिख लेंगे, और इसका क्या निकाल लेंगे, वर्ग कितना होगा, 25। अब उसके बाद क्या करेंगे, जो दो अलग कौन कौन सी भुजाएं बची हैं, ए बी एंड बी सी, आधार और लंब बचा है, इनका भी निकाल लेंगे। तो कितना, 3, 4 है, तो 3 का वर्ग दोस्तों कितना होता है, 9 होता है, एंड 4 का वर्ग कितना होता है, 16 होता है। इनके वर्ग को जोड़ लीजिए और फिर देखिए क्या 25 आ रहा, तो 9 और 16 कितना, 25 होता है। तो ध्यान समझिए, कहने का मतलब है कर्ण का स्क्वायर करिए, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर करने पर जो आए डिजिट, उसके बाद आधार का स्क्वायर करिए और लंब का स्क्वायर करिए, उन दोनों को जोड़ दीजिए। यदि कर्ण का स्क्वायर जो है आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर है तो वह समकोण त्रिभुज होगा। यानी कहने का मतलब ये होना चाहिए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर है तो वह हमारा समकोण त्रिभुज होगा। आई होप आपको समझ में आएगा कि समकोण त्रिभुज कैसे है,
कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले क्या करना है, बड़ी भुजा को चुन लेना, जो बड़ी भुजा कहने का था पांच है, सबसे पहले बड़ा नंबर चुना, पांच हो गया, पांच का वर्ग के अलग हमें अकेले लिख लिया, ये 25 हमने लिख लिया था। उसके बाद क्या किया, जो उसमें से दो अंक बचे उनका वर्ग करते हैं बारी बारी से, तो तीन का वर्ग किया तो हमारा 9 आया जाके, और चार का वर्ग किया तो कितना 16 आया। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, यदि ये और ये आपस में बराबर आते हैं तो समकोण त्रिभुज ही होगा, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय जो कहती है ये कर्ण स्क्वायर समकोण त्रिभुज में ही संभव है। क्या, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अब प्रश्न लगाते हैं, लगाएंगे कैसे इसको दोस्तों। दोस्तों यदि आपके समझ में आ गया हो प्रश्न, और किसी के भी यदि डाउट ये है तो उनका भी क्लियर हो चुका होगा। चलिए, अरे इसको मिटा दिया, ये भी चित्र बना रहेगा, ध्यान समझिए, चित्र बना था इसको बना देना दोबारा, ध्यान समझिए, ये हमारा ए था, ये बी था दोस्तों, ये सी था, ये कितना हमने माना था 5x था दोस्तों, 5x मीटर, ये हमने माना था 3x मीटर, एंड ये कितना माना था हमने 4x मीटर। आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, कह रहा है किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात, तो हमने त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या मान ली, 3x 4x 5x है, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना हो तो इसका परिमाप बताइए, तो इसका परिमाप बताइए। आपको पता है कि परिमाप क्या होता है, परिमाप क्या होता है, इन त्रिभुज की तीनों भुजाएं जो हैं इनकी लंबाइयों को यदि हम ऐड कर दें तो वही तो परिमाप होगा, यानी कहने का मतलब ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए, यदि हम निकाल लें तीनों, हमको पता हो इनको आपस में ऐड कर देंगे तो हमारा परिमाप आ जाएगा। इसके लिए हमको क्या, एक्स की वैल्यू पहले पता होनी चाहिए, क्या पहले हमको एक्स की वैल्यू पता चल होनी चाहिए, एक्स की वैल्यू पता हो, एक्स की वैल्यू वहां रख देंगे तो फिर जो ए बी आएगा बी सी आएगा और सी ए आएगा उनको जोड़ देंगे, वही हमारा परिमाप हो जाएगा। कैसे निकालेंगे ध्यान समझिए दोस्तों, चित्र जरूर बना लीजिएगा, ये हमारा कैसा था, कोण भी किसमें, इसमें 90 डिग्री लोगो की माना, ध्यान समझे, माना त्रिभुज की, त्रिभुज समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी की तीनों भुजाएं क्रमशः कितनी हैं, 5x है एंड 3x है व 4x है, आप मानना चाहते हैं तो ये मान लीजिए, और नहीं लिखेंगे तो इससे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप ध्यान समझिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसा त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज दोस्तों, कैसा है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दोस्तों होता है, कितना दे रखा है 216 मीटर स्क्वायर। अच्छा, ये जो 5x है 3x है व 4x है सभी किसमें दे रखे हैं, मीटर में दे रखे हैं, ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में लिख लीजिएगा आगे, और ये भी मीटर में है, इसे क्या लिखना 5x मीटर 3x मीटर व 4x मीटर है, समझ गया ना दोस्तों। चलिए आप देखिए कैसे निकालेंगे, आपको पता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज एबीसी है ना, एबीसी का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का दोस्तों क्षेत्रफल क्या होता है 1/2, जब चित्र बना देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यही तो होता है दोस्तों, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होती। तो देखिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 216। यदि यहां भी लिखाना चाहते हैं समकोण त्रिभुज एबीसी तो लिख सकते हैं यहां पर, समकोण त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 216 है, ठीक है, और बराबर 1/2 आधार कितना दोस्तों हमारा, आधार एबी है और ये भी कितना है 3x है, इनटू ऊंचाई कितना है बीसी है, कितना 4x है, यानी कितना 216 बराबर कितना, देखिए 2 × 2 = 4 हो गया कि नहीं, और देखिए 3 × 2 = 6 तो 6 हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स तो x एक यहां एक x यहां, आपको पता गुड़े में घाते जुड़ती इसलिए x स्क्वायर हो गया जाके। अब क्या, जो चीज गुड़े में होती कहां जाती भैया, बटे में जाती, इसलिए x स्क्वायर बराबर दोस्तों 216/6 आ गया। क्या 6 से कटेगा, हाँ देखिए 6 × 6 = 18 ठीक है, 3 × 36 हुआ 6×36, x स्क्वायर बराबर दोस्तों कितना आ गया 36 आ गया, यानी कि x बराबर √36 और x बराबर दोस्तों कितना आ जाएगा 6,
x की वैल्यू दोस्तों कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। x जो हमारा है क्या, 6 आया जाके। अब आप कहते हैं सर रूट हटा दें तो प्लस माइनस दोनों की वैल्यू आती है, दोनों में आता है दोनों भैया, इसलिए माइनस वाले को इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि लंबाई है ना, लंबाई कभी माइनस ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए माइनस में नहीं, x बराबर 6 हमने लिया है। अब ध्यान समझिए AB कितना हो जाएगा इस प्रकार, AB कितना होगा 3 इंटू x के सामने कितना रख देंगे 6, तो कितना होगा 18 मीटर हो गया। एंड कितना BC कितना हो जाएगा 6 है तो 4 इंटू 6 कितना हो गया 6×24 मीटर हो गया, चित्र में भी आप ऐसे लिख दीजिएगा। एंड कितना यहाँ कितना x की वैल्यू कितनी है 6 सममित से, तो एंड कितना हो जाएगा 5 इंटू 6 बराबर कितना 30, 5×6=30 मीटर हो गया, कितना 30 मीटर हो गया दोस्तों। आप क्या पूछा था तो त्रिभुज का हो तो इसका परिमाप बताए, त्रिभुज का परिमाप बताना था। तो देखिए सारी भुजाएं पता चल गई, ए बी भी पता चल गया, बी सी भी पता चल गया, एंड सी ए भी पता चल गया, यहां से त्रिभुज का परिमाप आ जाएगा। लिखोगे इधर इधर रेड से लिखे जा रहे हैं दोस्तों इस साइड में, त्रिभुज ए बी सी का परिमाप, त्रिभुज ए बी सी का परिमाप, त्रिभुज कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, तो लिखोगे समकोण त्रिभुज, साइन ऐसे तो बनता, समकोण त्रिभुज एबीसी का परिमाप, यानी कि एबी बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, एबी प्लस का बीसी प्लस का सी है, तो एबी दोस्तों कितना है, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं एबी कितना 18 है, प्लस का बीसी कितना दोस्तों 24 है, दिख रहा ना ये, एंड सी ए कितना है 6×5=30 है, एड कर लीजिए ध्यान समझिए, तो 8×4=12 के दो दोस्तों 1, 2, 3 और 3, 6 एक साथ 72 परिमाप था, 72 मीटर दोस्तों आ गया। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक। त्रिभुज अतः त्रिभुज एबीसी का परिमाप कितना हो जाएगा 72 मीटर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि समकोण त्रिभुज कैसे, अब कोई भी त्रिभुज दे रखा हो आप ऐसे चेक कर लेंगे और समकोण त्रिभुज आप बता सकते हैं जैसे अभी हमने आपको बताया। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, इसको रख कर दें, देखिए इसको रब करें, प्रश्न संख्या 2 की बात करते हैं, ध्यान से देखिए, देखते रहिए मेरे दोस्तों, ठीक है फटाफट। और ये दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में दोस्तों इसको शेयर भी करते रहिए। देखिए अगला भी क्वेश्चन दोस्तों बहुत अच्छा है, कहता है दोस्तों ये भी सिमी जी ने पूछा है, कह रहा है फोर का फिर बड़ा ब्रैकेट है 25 - 18/ फिर दोस्तों 8 - 2 का 3 - 13 - 4 - 3 + 5 प्लस 5 और बड़ा ब्रैकेट बंद को सरल कीजिए, को सरल कीजिए, सरल कीजिए। ध्यान से देखिए दोस्तों इसको क्या करना है, सरल करना है। कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, अब देखिए हमने कहा था बाट मास बताया था सबसे पहले किसको, क्या होता है बाट मास आपको बताया था ना, बाट मास मतलब बी का मतलब कितना, ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे, उसका मतलब ओ का मतलब का होता है उसको सॉल्व करते हैं, फिर क्या डी का मतलब कितना होता है भाई, इसका मतलब क्या होगा ब्रैकेट, जितने भी प्रकार के हमारे ब्रैकेट हो, चाहे लाइन ब्रैकेट हो, चाहे ये छोटा वाला हो, चाहे ये मंझिला वाला हो, और चाहे ये दोस्तों हमारा बड़ा वाला हो, ठीक है। और इसका मतलब ऑफ, ओ का मतलब होता है ऑफ, या इसको क्या कहते हैं का, इसको सॉल्व करते हैं, फिर डी का मतलब क्या होता है डिवाइड यानी कि भाग, फिर उसके बाद एम का मतलब मल्टीप्लाई यानी कि गुणा, एंड ए का मतलब जोड़, एंड एस का मतलब घटाना, क्या करेंगे पहले जोड़ करेंगे उसके बाद फिर घटाना करेंगे, ध्यान समझे कैसे। तो सबसे पहले किसको, ब्रैकेट को सॉल्व कर रहा है, ब्रैकेट कहां पर, यहां पर है, तो फोर, फिर देखिए फोर का लिखा रख दीजिए पहले 25, अच्छा प्रश्न पहले नोट कर लेते हैं, लिखा तो सही था, पहले प्रश्न नोट करते हैं, फोर का
25 माइनस 18 भागे ब्रैकेट लगा लीजिए 8 माइनस 2 का 3 माइनस 13 माइनस 4 माइनस 3 प्लस 5 और ये हो गया दोस्तों। ध्यान समझिए आगे, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो 4 है ब्रैकेट, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 4 का हो गया, का जहां था लिखा रहने दीजिए, नंबर से सबको सॉल्व करेंगे। 15 माइनस 18 भाग ये 8 हो गया, माइनस कितना हो गया 2 हो गया, एंड देखिए का लिखा है तो का लिखा रहने दीजिए, अगली लाइन में सॉल्व कर लेंगे, 3 हो गया माइनस, देखिए 13 ये है हमारे पास, और माइनस का 4 माइनस का 3 है, कितना होगा ब्रैकेट के अंदर माइनस का 4 माइनस का 3 माइनस का 7, तो 13 में से 7 जाएगा दोस्तों, कितना बचेगा 6 बचेगा, ठीक है, और प्लस का 5, ये छोटा ब्रैकेट गायब हो गया। अब देखो बड़े वाले, इसको अब मझले वाले को गायब करना है, तो इसमें का है तो का को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 का 25 माइनस 18 भागे, अब एक 8 माइनस 2 इंटू का मतलब कितना 3, और माइनस का 6 है प्लस का 5 है, समझते चलिए दोस्तों। अच्छा यहां पे 4 का चल रहा है, यदि यहां पे आप का के हिसाब में मल्टीप्लाई भी लगाना चाहते हैं तो दोस्तों लगा लीजिए, चलिए यहां हटाया हमने, यहां पे मल्टीप्लाई लगा लिया तो यहां भी लगा लीजिए, चलिए ठीक है, इस वाले का के साथ में मल्टीप्लाई लगा सकते हैं, यहां लगाया इसलिए हमने यहां भी लगा लिया, चलिए मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 25 माइनस 18 भागे, देखिए आप ध्यान समझिए, आप देखिए इसका पहले से बात क्या होता है, यहां माइनस भी है, यहां भी माइनस, यहां प्लस तो होता है, सबसे पहले क्या है भाग तो है नहीं यहां पे, तो गुणा है, तो सबसे पहले क्या होगा गुणा होगा इसमें, तो 8 ये होगा और माइनस का 2 3 6 और माइनस का 6 होगा प्लस का 5 हो गया। देखिए स्टेप गायब करने की कोशिश मत करिएगा वरना कहीं ना कहीं मिस्टेक हो सकती है। अब देखिए माइनस का 18 25 माइनस 18 भागे, देखिए 8 ये है और 5 ये है, तो दोस्तों 8 और 5 कितना दोस्तों होगा 13 हो गया, और माइनस का 6 और माइनस का 6 दोस्तों ये, तो माइनस का 6 दोस्तों माइनस का कितना हो गया 12 हो गया, है कि नहीं, थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 इंटू 25 माइनस 18 भागे 13 में से 12 जाएगा तो एक बचेगा, ए बी ब्रैकेट गैप, यानी कि 4 इंटू दोस्तों 25 माइनस, अब क्या इन दोनों में किसको सॉल्व, माइनस वाले को करेंगे कि भाग वाले को, तो भाग ऊपर है इसलिए भाग को सॉल्व करेंगे, 18 क्या एक से इसको भाग करेंगे तो 18 ही तो बचेगा, यानी कितना 4 इंटू दोस्तों 25 में से दोस्तों 18 जाएगा, कितना 25 है यहाँ और 25 में से दोस्तों 18 जाएगा तो 7 बचेगा, यानी कि 4 सत्ते 28, कहने का मतलब है कितना 28 हमारा दोस्तों इसका आंसर आ गया 28 आंसर। दोस्तों ध्यान से देखिए जो क्वेश्चन आपने सिमी जी ने भेजा था यहाँ पे 8 की जगह पे 7 था, कितना था 8 की जगह पे 7 था, तो 7 रख के हम सॉल्व करेंगे तो यहां पे दोस्तों हमारा जो हमने जोड़ा था 8 प्लस 5 जोड़ा 13 आया था, यदि यहां पे 7 होता तो 7 प्लस 5 जोड़ते, 7 प्लस कितना जोड़ते 5 जोड़ते, तो 7 प्लस 5 दोस्तों कितना होता है 7 प्लस 5 12 होता, तो 12 में से 12 जाता तो 0 आता। अब जो हम 0 से 18 को भाग करेंगे, क्या 0 से 18 को भाग करेंगे तो दोस्तों इसका कहने का मतलब 18 और भागे 0 कहा है, और आपको पता कि 18 भागे 0 तो आपको भाग लगा तो क्या करते हैं बटे में ले जाते हैं तो 1/0 हो जाएगा, और आपको पता है जब भी हर में 0 होता है तो उसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो इन्फिनिटी आता है, तो इसको जब हम आगे फिर सॉल्व करेंगे जब यहाँ पर इन्फिनिटी होगा फिर इन्फिनिटी में चाहे हमको जोड़ें चाहे घटाएं वो हमारा इन्फिनिटी ही आता है, तो इसको तब हम सॉल्व करते हैं यहाँ 7 होता तो हमारा आंसर इन्फिनिटी आ जाता, इसीलिए हमने 7 की जगह 8 करके इसको सॉल्व करवा दिया दोस्तों, ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। 1/0 यदि हर में 0 है और अंश में भी कोई नंबर हो तो उसको सॉल्व करेंगे इन्फिनिटी आएगा, और यदि अंश में 0 है और हर में कोई भी नंबर हो चाहे 1 हो चाहे 2 हो चाहे 10 हो चाहे 50 हो चाहे 100 हो कुछ भी नंबर है यदि हर में अंश में 0 तो उसको सॉल्व करेंगे तो 0 आता, तब 0 ही आएगा दोस्तों। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हमने यहाँ 8 की जगह 7 की जगह 8 क्यों यूज किया है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या देखिए दूसरे को रख पर हैं 3 की दोस्तों बात करते हैं, ध्यान से देखिए प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है, दोस्तों आपको यदि वीडियो पसंद आ रहा हो ठीक है, वो आपको लग रहा हो कि सर हमारी कोई मदद कर रहे हैं ठीक है, हमको अच्छे से सिखा पा रहे हैं, तो दोस्तों आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस वीडियो को शेयर कर दें, जितने आपके अदर भाई बंधु डीएलएड में हैं सेकेंड सेमेस्टर में सभी देख के क्या इस वीडियो का
फायदा उठा सके और सभी के 25 में 25 नंबर आ सके दोस्तों, ठीक है। चलिए चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 की। प्रश्न संख्या 3 कहता दोस्तों, बढ़िया प्रश्न दोस्तों ये भी है, वह न्यूनतम संख्या बताइए, वह न्यूनतम संख्या बताइए वह न्यूनतम संख्या बताइए जो 12, 18, 35 से विभक्त हो जाए, जो 12, 18, 35 से विभक्त हो जाए, क्या कहा, जो 12, 18 और 35 से दोस्तों क्या हो जाए, विभक्त हो जाए। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है चैप्टर पहले का लेक्चर नंबर दूसरे का, चैप्टर जो पहला था उसका लेक्चर नंबर दोस्तों दूसरा था, ठीक दोस्तों, उसमें हमने एक क्वेश्चन कराया था, चैप्टर नंबर पहले का लेक्चर नंबर दूसरे में हमने ये प्रश्न कराया था, ठीक है। और प्रश्न संख्या दोस्तों ये छठा था, कौन सा था, छठा, ध्यान समझिए, क्या ये वाला जो प्रश्न दोस्तों हमने चैप्टर ए, यही वाला प्रश्न, सेम चैप्टर, चैप्टर ए के लेक्चर नंबर 2 में कराया था और क्वेश्चन नंबर दोस्तों 6 था, वहां दोस्तों ये 15 नहीं दोस्तों यहां पर है 35 था, 12, 18, 15 के सामने 35 उसमें था दोस्तों, यहां पर 35 था, क्या 12, 18 और 35 था दोस्तों। तो हमने इसको जब कराया था तो ध्यान समझिए कहां पे कौन गलती क्या, मिस्टेक क्या हुई थी उस क्वेश्चन में, यहां पे 35 लिखा था, ठीक है, और हमने इसको 25 समझ कर सॉल्व किया था। अब ये भी बताते कहां पे मिस्टेक हुई थी आपको, जो क्वेश्चन नंबर चैप्टर पहले का लेक्चर नंबर दूसरा था, क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें सिर्फ क्वेश्चन में आपको जहां 12, 18, 35 लिखा है उस जगह पर आपको 12, 18, 25 से विभक्त हो जाए कर लेना, यानी कि 35 की जगह पर आप सिर्फ 25 कर लीजिएगा, वो क्वेश्चन पूरा सही लगा है, ठीक है, 35 की जगह सिर्फ 25 कर लीजिए, जहां जहां 35 लिखा वहां 25 कर लीजिएगा, पूरा क्वेश्चन सही लगा है, ठीक है। आज हम इसको बता दे रहे हैं, ठीक है, ध्यान से, आई होप आप हमारी बात समझ गए होंगे ना। चलिए करा वह न्यूनतम संख्या बताइए, हमने कहा था जब भी न्यूनतम की बात करें या कम छोटे से छोटे की बात करें, न्यूनतम की बात करें या छोटे से छोटे की बात करें, तो हमेशा हम लासा फाइंड करते हैं, कैसे, क्या फाइंड करते हैं, लासा, तो इसका लासा निकाल लेते हैं, यानी कि 12, 18 और 35 का दोस्तों हम क्या निकालेंगे, लासा, देखिए कैसे निकालेंगे, ये तो आप सभी को आता है, देखिए 2 से डिवाइड होगा, 2 छाक 12, 2 छाक 12 और 2 नवा 18 और 35 होगा दोस्तों, फिर देखिए 2 से डिवाइड होगा, 2 3 6, फिर कितना होगा, ये तो 9 ही रहेगा, फिर कितना 35 ही रहा, एंड अब देखिए 3 से डिवाइड होगा, 3 1 3, 3 3 9 और ये 35 ही रहा, ठीक है, और यहाँ कितना होगा, देखिए पुनः ये 3 से डिवाइड होगा, तो 3 1, ये तो 1 ही रहा, 3 1 3 और ये 35 ही रहा दोस्तों। उस क्वेश्चन में जो हमने बताया था कहाँ मिस्टेक हुई थी, चैप्टर कौन सा था, पहले का लेक्चर नंबर दूसरा था ना, चैप्टर पहले का लेक्चर नंबर दूसरा था, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 6, उसमें जो मिस्टेक हुई थी यहां पे हमने इसको क्या कर दिया था, 5 से इसको काटा था, और हमने लिखा था यहां 1 लिखा था, यहां 1, यहां हमने 5 लिख दिया था, अब पुनः हमने 5 से काट दिया था, तो 5 7 35 होता है, इसलिए यहां पर 7 होगा, इसीलिए हमने कहा सिर्फ यहां 35 के स्थान पर 25 कर लीजिएगा, यहां सब जगह 25 कर लीजिएगा, तो आपका क्वेश्चन वो सही लगा है, सिर्फ 35 जहां जहां 35 लिखा है उसमें 25 कर लीजिएगा, बाकी वो प्रश्न सही है। अब इसको देखिए, अब ये देखिए 7 से डिवाइड होगा, तो 1 तो 1 ही रहेगा, ये भी 1 रहा, 7 1 7, कब तक हम इसको भाग करते हैं, कब तक, जब तक हम इसको डिवाइड करते हैं, कब तक करेंगे दोस्तों, जब तक लास्ट में 1 1 1 आ जाए तब तक हम इसको क्या करते हैं, भाग करते रहते हैं, काटते रहते हैं दोस्तों। अब देखिए 12, 18 तथा 35 का, 35 का लासा बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा, कितना, 2 गुणे 2 2 बार है, 2 गुणे 2 गुणे कितना, 3 1 2 3 है 2 बार, एंड कितना, फिर 5 है, फिर 7 है, तो 5 गुणे 7 हो गया, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखिए 2 2 4, 4 3 12 और 12 3
कितना देखो, दो दूना चार, चार तीन बारह, और दोस्तों बारह हो गया, और देखिए पाँच बारह हो गया, बारह पंचे साठ, बारह पंचे साठ, और तीन कितना होगा 180 होगा जाके दोस्तों, ये तो होगा 80 गुणे सात कर लीजिए, तो जीरो का सात अठी छप्पन के छः हंसी ला जाके पाँच और सात पाँच बारह, 1260 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 1260। आप चेक कर लीजिएगा कि सर ये मल्टीप्लाई कैसे कर लिया, आप आराम से चेक करिएगा 1260 ही आएगा। हमने क्या किया, इनकी की आपस में मल्टीप्लाई कर लिया और कितना 1260 आया जाके दोस्तों, आप चेक कर लीजिए, चलिए चेक कर लीजिएगा ठीक, 1260 कैसे आया। अब पूछा क्या था, वह न्यूनतम संख्या बताइए, तो अब लास्ट में क्या लिखोगे, अतः फाइनल में, अतः वह अतः न्यूनतम संख्या बराबर, अतः न्यूनतम तम संख्या बराबर, या अतः अभीष्ट न्यूनतम संख्या भी ले सकते हैं, तब 1260 ये हमारा फाइनल आंसर दोस्तों आ गया। ऐसे दोस्तों इस प्रश्न को करेंगे, है आसान कि नहीं आसान। चलिए प्रश्न संख्या चार की बात करते हैं दोस्तों, देखिए प्रश्न संख्या चार क्या कहता है हमारा, प्रश्न संख्या चार की बात करते हैं, इसको रब कर रहे हैं, ध्यान से देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या चार को देखते हैं, प्रश्न संख्या चार क्या कहता है, प्रश्न संख्या दोस्तों चार कहता है, वो भी दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिए, देखिए दोस्तों, थ्री ये इंटू सिक्स रूट एक्स अपान फोर रूट एक्स क्यूब इंटू नाइन एक्स की पावर सिक्स, नाइन एक्स की पावर सिक्स को सरल कीजिए, को सरल कीजिए दोस्तों, को सरल कीजिए दोस्तों। ये प्रश्न दीपक जी ने दोबारा पूछा था, ये प्रश्न हम करवा चुके हैं, और दोबारा दोस्तों ये प्रश्न पूछा, इसमें डाउट था, तो ध्यान से देखिए कैसे इसको प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम प्रश्न को नोट करते हैं और ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये एक्स हो गया, ये सिक्स रूट कितना हो गया एक्स हुआ, अपान फोर एक्स क्यूब हो गया इंटू नाइन रूट एक्स की पावर सिक्स हो गया। दोस्तों ध्यान समझिए, जैसे लिखा होता है रूट फोर, जैसे रूट फोर लिखा दोस्तों हम इसको क्या लिखते हैं टू लिखते हैं, कहां से टू दोस्तों ये आता है, वास्तविकता में रूट नाइन लिखा होता है तो हम क्या लिख सकते हैं टू ले सकते हैं, रूट चौंसठ लिखा है तो हम क्या लिख सकते टू नहीं दोस्तों थ्री ले सकते हैं ना, रूट चौंसठ लिखा तो उसको आठ ले सकते हैं, तो कैसे लिखते हैं दोस्तों ये चीजें, देखिए रूट फोर लिखा तो रूट फोर का मतलब रूट का दोस्तों ये मतलब होता है यहां पे दोस्तों ये दो, जैसे यहां पे क्या लिखा चार तीन लिखा या छह लिखा या चार लिखा या नौ लिखा, रूट में जब सिंगल खाली रूट लगा है खाली ऐसी डिजाइन बनी है तो यहां पर हमेशा दो छुपा रहता है, क्या रहता है दो छुपा रहता है, तो यानी कि इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो फोर की पावर ये जो रूट होता है कन्वर्ट हो जाता है एक बटे दो में, जो यहां ये दो छुपा होता है ये वाला ये कितना फोर की पावर एक बटे दो में कन्वर्ट हो जाता है, रूट जब हटाते हैं तो एक बटे दो में चेंज हो जाता है दोस्तों ठीक है। अब फोर को क्या लिख सकते हैं दो की पावर दो इंटू कितना ये एक बटे दो है, दो से दो कैंसिल कितना आएगा कि दोस्तों दो ही तो आता है कि नहीं, यानी कि जो यहां पर लगा होता है यहां पर जो यहां पर लिखा होता है यहां पर जो नंबर लिखा जाता है वो क्या वन अपान करके जाता है वन, यहां थ्री लिखा होता तो वन अपान थ्री भी होता है, यहां फोर लिखा गया जाएगा तो वन अपान फोर हो जाएगा, जैसे यहां कितना लिखा थ्री लिखा है तो वन अपान थ्री हो जाएगा किस केस की पावर है कि नहीं। तो आई होप आप हमारे पास सहमत, इसी प्रकार इसको भी निकाल सकते हैं, इसी प्रकार इसको भी निकाल सकते हैं, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। आई होप दीपक जी को ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, अब एक्स लिखा इसको लिख सकते एक्स की पावर एक बटे तीन इंटू एक्स की पावर दोस्तों कितना एक बटे छः, अभी हमने बताया कैसे ले सकते हैं, और कितना होल अप एक बटे एक्स की पावर दोस्तों तीन तो था तो तीन तो ऐसे रहेगा बटे एक बटे चार करेंगे, मैं तीन बटे चार कैसे बता, देखिए तीन एक्स की पावर तीन था इसका करेंगे एक बटे चार तो तीन इंटू एक की मल्टीप्लाई करेंगे चार हो जाए तीन ही हो जाएगा और बटे चार था है तो तीन बटे चार हो जाएगा कि नहीं। इसको देखिए नाइन की पावर दोस्तों कितना हो जाएगा छः बटे नौ, ये देखिए यहाँ से कट जाएगा तीन दूनी छः तीन तिया नौ, तीन दूनी छः दोस्तों और तीन तिया नौ हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम इस साइड में सॉल्व करें, ध्यान समझिए यहाँ पे सॉल्व करें रेड से सॉल्व कर दे रहे हैं,
आपको पता है गुणे में पावरें क्या होती हैं, जुड़ती हैं, इसलिए देखें यहाँ भी x है यहाँ भी x है, आधार समान होते तो घाते हमारी जुड़ जाती हैं, इसलिए x की पावर कितना हो गया 1/3 और प्लस का दोस्तों कितना 1/6 हो गया, और ये बटे में कितना दोस्तों यहाँ होगा जाके, यहाँ देखिए यहाँ दोस्तों x है भाई, यहाँ पे 9 नहीं यहाँ x था, ये x था ना, x की पावर कितना 6/9 था, x की पावर 6/9 था, तो कितना 3 × 6 = 3, 3 = 9 हो गया था दोस्तों। अब ध्यान समझिए यहाँ x की पावर दोस्तों 3/4 ये है, और यहाँ पे x की पावर 3/4 ये था, और इसको सब काटा था 2/3 आया, तो यानी इसी में ऐड हो जाएगा 2/3, एक लाइन हमने थोड़ी सी कम की है, कल समझ गए ना क्या किया हमने, x जो x की पावर 3/4 था यहाँ भी x की पावर कितना काट के 2/3 आया था, इसको ऐड कर लिया, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर है क्या होती है ऐड होती है, इसको सॉल्व कर लीजिए, x की पावर दोस्तों कितना 3 × 6 का एलसीएम दोस्तों 6 हो जाएगा, 3 × 6 यानी कि 2 हो गया, और प्लस कितना 1 हो जाएगा, ये तो सब आपको आता हो प्रैक्टिस कर रहे हो, यदि आपने सारी भी वीडियो देखे हैं तो आपको बहुत आसान लग रहा होगा। देखिए 4 × 3 का एलसीएम दोस्तों हम 12 ले लेंगे, 4 और 3 का एलसीएम कितना लिया 12 लिया, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 × 3 = 12, 3 × 3 = 9 दोस्तों यहाँ हो गया के प्लस, एंड 3 से इसको डिवाइड करें 3 × 4 = 4 और 4 × 2 = 8 हो गया, ठीक है इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। देखिए x की पावर 2 + 1 = 3/6 और बटे x की पावर दोस्तों कितना हो गया 9 × 8 = 17/12, 9 × 8 दोस्तों कितना होगा 17/12 हो गया जाके, ये चीज समझ में 17/12 हमारा कैसे हुआ जाके 17/12। इसके बाद दोस्तों सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए इसके बाद यहां पे आ जाते हैं इस साइड में, अब देखिए x की पावर 3/6 इसको कट जाएगा 3 × 3 और 3 × 2 = 6, यहां तो 17/12 बचा है तो कट भी नहीं सकता, अब ध्यान समझिए x की पावर यहां कितना होगा 1/2 तो ये हमारे पास है, और कितना बचा देखिए यहां पर x की पावर 17/12 दोस्तों, ठीक है अब इसको मुंह पर उठा ले जाएंगे तो यहां दोस्तों ये हो जाएगा हमारा, देखते रहिएगा x की पावर 1/2 ये था, ये 17 को ऊपर ले जाएंगे तो पावर यदि प्लस है तो ऊपर जाती है, जब अंश में जाएंगे हर में यदि प्लस है तो अंश में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यदि हर में माइनस है तो अंश में जाएगा तो क्या होगा प्लस होगा, सेम यही कंडीशन ऊपर से नीचे आने में भी होती है, माइनस कितना 17/12 हो जाएगा भाई, ये जाएगा कैसे नहीं समझ में आ, चलिए ऐसे बता देते हैं कितना x की पावर माइनस का 17/12 होगा, और आपको पता है मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है ऐड होती है, चूंकि आधार समान होते तो घाते आपस में जुड़ जाती है, इसलिए 1/2 और ये प्लस यहां माइनस, तो प्लस माइनस दोस्तों क्या होता है माइनस हो जाएगा, कितना 17/12 हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए ध्यान से x की पावर कितना हो जाएगा, यहां 12 एलसीएम हो गया तो 2 × 12 कितना होगा दोस्तों 2 × 12 हो गया के तो 6 आएगा के, यहां कितना ऊपर लिख देंगे 1 × 6 लिख देंगे, क्या 2 × 12 = 6, 6 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, माइनस 12 × 1 = 12 कितना हो जाएगा 17 हो गया, कितना होगा 17। अब इसको देखो लिख सकते हैं x की पावर 6 में से 17 आ जाएगा माइनस का 11/12, माइनस का 11/12 लिख के दोस्तों ये हम आंसर छोड़ सकते हैं, यानी कि यहाँ x की पावर दोस्तों हमारी कितनी है माइनस का 11/12 दोस्तों हमारा फाइनल आंसर दोस्तों आ गया, कितना आ गया फाइनल आंसर, या थोड़ा इसको और यदि हम सजाना चाहते हैं तो ये तो यहाँ लिख के छोड़ दी, या इसको हम लिख सकते हैं x की पावर माइनस 11 और अंडर रूट लगा के ये यहाँ पर ये 12 भी लिख सकते हैं, ये भी हमारा आंसर आ सकता है, चाहे ये आंसर छोड़िए और चाहे ये लगाइए दोनों आंसर हमारे सही है दोस्तों, तो इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। आई होप आपका डाउट क्लियर होगा, इसलिए हमने बहुत ही सावधानी से धीमे धीमे हर स्टेप को दोस्तों बताया है, ठीक दोस्तों। अब भी यदि कोई डाउट है तो आप आसानी से दोस्तों पूछ सकते हैं, यदि कोई समस्या अभी भी रह गई हो तो आप आसानी से पूछ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब भी अच्छा यदि किसी का डाउट अभी भी रह गए हैं, किसी के डाउट से अभी भी शायद रह गए हैं क्वेश्चन आपके, तो अगला जो लेक्चर होगा लेक्चर नंबर कौन सा आएगा, लेक्चर नंबर कहने का मतलब प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा आएगा 5, तो उसमें 5 पे बाकी के जो डाउट होंगे हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। आप इस वीडियो को बड़ी ही ध्यान से देखते रहिएगा, भले आपकी इस वीडियो में 4 प्रश्न आपको लग रहे होंगे सर बहुत कम प्रश्न कर रहे हैं, 4 प्रश्न हुए हैं, इन 4 प्रश्न मतलब 4 प्रश्नों पे मत जाइए, सिर्फ हमारा उद्देश्य समझिए, हमारा उद्देश्य है कि आपको वो बातें समझ में आ जाए जो हम आपको बातें सिखा रहे हैं, आपके दिमाग में वो बातें बैठ जाए, इसलिए ही बड़ी ही सावधानी के साथ हम धीमे धीमे हर चीज़ आपको सिखाते हैं,
ठीक है। तो क्वेश्चनों की संख्या पे मत जाए कि हमने कितने क्वेश्चन कराए, आपके जो डाउट थे क्या वो क्लियर हो गए दोस्तों। यदि क्लियर हो गए हैं तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके डाउट क्लियर हो गए दोस्तों, और यदि और भी डाउट है तो आप कमेंट करके दोस्तों अपने भाई से आसानी से दोस्तों पूछ सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो कहीं पे समस्या हो या कहीं पे कोई डाउट हो तो दोस्तों पूछते जरूर रहिए, और यदि हमारे बताई हुई बातें, हमारे बनाए हुए वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, और ज्यादा से ज्यादा संख्या में क्या लोगों तक शेयर भी करते रहिए दोस्तों। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।